हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बुस्टियो ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिनों में जो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट आई है अग्निवीर की थ्रू, इसके तहत जो है आप में एयरफोर्स, नेवी, साथ ही साथ आर्मी की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि आप बहुत तेज़ी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते हुए ऐसा बेहतरीन मौका आप बिल्कुल ना गवाएं। निश्चित ही ये मौका 4 सालों के लिए है, लेकिन ये एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है आपकी तैयारियों का। एक बहुत बड़ा यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ सफल हो जाते हैं, 17.5 से 23 की उम्र में अगर आपने सफलता को पा लिया, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में काफ़ी आगे जाने वाले हो। चूँकि दोस्तों, बहुत से बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा बवाल किया, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ट्रेनों को फूंका, काफ़ी लोगों के प्रॉपर्टीज़ को जलाया, तबाह किया, बर्बाद किया। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप ऐसा ना करो। आप जो है इस भर्ती में आगे जाओ। अगर आप बेस्ट हो तो अपने आप को 25% में मानो और आप आर्मी में ही अपने आप को परमानेंट करा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बेस्ट होनी है। अगर आप आर्मी में परमानेंट चाहते हो तो आप इतना मेहनत करो कि आप खुद को 25% में ला पाओ। अगर नहीं ला पाते, आप 75% में हो जाते हो, आप वापस आ जाते हो, फिर भी आपके पास ढेरों मौके होंगे। चाहे तो आप हायर स्टडी कर सकते हो, चाहे तो आप बेहतर जो है तमाम नौकरियों में खुद को पा सकते हो। दोस्तों, आज मैं फ़िलहाल ये स्पेशल क्लास लाया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का पूरा सिलेबस। एक वन बाय वन करके मैं सारे के सारे सिलेबस को आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं पढ़ाऊँगा वॉइस। जैसा कि आपने, जिन बच्चों ने सिलेबस को देख रखा होगा, एयरफोर्स या नेवी, एक्स और वाई ग्रुप, दोनों ग्रुप में इंग्लिश का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, जिसमें वॉइस का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ वॉइस के लिए। वॉइस मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आप वॉइस पढ़ करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं इंग्लिश के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर वॉइस होता क्या है। वॉइस देखिए दोस्तों, होता क्या है, वर्ब का वह फॉर्म होता है जो ये बताता है कि आखिर किसी भी कार्य के लिए सब्जेक्ट खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल है या सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कई बार क्या होता है कि वॉइस में ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जहां सब्जेक्ट जो है वो स्वयं जिम्मेदार होता है किसी कार्य के लिए, और वहीं कई बार ऐसा देखा जाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बल्कि किसी और के काम को झेलता है। तो ये सारा जो फॉर्म है वो क्या होता है, वॉइस होता है। यानी अगर मैं आपसे बताऊँ तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा कि वॉइस के दो फॉर्म होते हैं। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस वहाँ होता है जहाँ सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए अगर सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो ऐसे वॉइस को क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। वहीं अगर सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना हो बल्कि किसी कार्य के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ डिफिनेशन का बहुत कुछ नहीं रखा है, आपको बस थोड़ी सी जानकारी रखनी है और समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो वो एक्टिव वॉइस, और अगर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है तो वो होता है पैसिव वॉइस। आज की क्लास में मैं दोस्तों बताऊंगा आपको रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। आज की क्लास में मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पैसिव वॉइस बनता है वो टेंस का बनता है, मोडल्स का बनता है, साथ ही साथ इम्परेटिव का बनता है, और देखा जाए तो इंट्रोगेटिव का बनता है। तो आज की क्लास में मैं सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ, टेंस का पैसिव, मोडल्स का पैसिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव और इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव। यानी आज की क्लास में आज पूरा का पूरा आप वॉइस पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, और अपने तैयारी में, अपने सेलेबस में, अपने कम्प्लीट सेलेबस में आप एक चैप्टर को शामिल कर पाओगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, यानी वो नियम जिनसे हम एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। आइए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहला रूल, यानी कि रूल नंबर वन ये कहता है कि अगर जो सब्जेक्ट है उसे आप क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं अभी उसके बारे में बताने वाला हूँ, आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा।
रूल नंबर टू, अगर रूल नंबर टू की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ठीक पहले, यानी ऑब्जेक्ट के ठीक पहले हम क्या लगा देंगे, बी वाई बाई लगा देंगे, यानी बिफोर द ऑब्जेक्ट वी यूज बाई, यानी ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या कर लेंगे, प्रीपोजिशन बाई का यूज कर लेंगे। साथ ही साथ रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमेशा वर्ब का क्या लगेगा आपका, हमेशा वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है। वहीं अगर हम बात करें रूल नंबर फोर का, तो रूल नंबर फोर जो है हमारा है टेंस चेंज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा आपको। और वहीं अगर मैं रूल नंबर फाइव की बात करूँ, तो रूल नंबर फाइव जो है हमारा क्या है, केस चेंज। यही पांच नियम जो है आपका पूरा का पूरा वॉयस कंप्लीट करा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं वन बाय वन सारे रूल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, पहला रूल्स काफ़ी आसान है। रूल नंबर टू, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बी वाई बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है। रूल नंबर थ्री क्या है, कोई भी टेंस हो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। रूल नंबर फोर, टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ रूल नंबर फाइव इज केस चेंज। केस चेंज में क्या करना है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। वन बाय वन मैं सारे रूल्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे आप आसानी से और बेहतर तरीके से समझने की पूरी कोशिश करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको पाँच नियम पढ़ाए हैं, और वो पाँचों नियम मैंने यहाँ लिख रखा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस चेंज और केस चेंज। आइए हम वन बाय वन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये या तो नाउन हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है किसी का नेम, या तो प्रोनाउन जिनको आप जानते हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन के सिवा और कुछ भी नहीं आ सकता दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा साथ ही कि अगर आपको मेन वर्ब पहचानने आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के इस तरफ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के इस तरफ जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत इस तरफ जो आएगा वो आपका होता है ऑब्जेक्ट, और इस तरफ जो आता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना काफ़ी आसान है। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। ऊपर से जो वर्ब के इस तरफ आए वो ऑब्जेक्ट, और जो इस तरफ आए वो सब्जेक्ट। तो यहाँ वाले को यहाँ कर देना है और यहाँ वाले को यहाँ कर देना है। यही आपका है रूल नंबर वन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देना। आइए दोस्तों देखते हैं अब रूल नंबर टू। रूल नंबर टू हमसे क्या कहता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो उसके पहले क्या लगा देंगे, बी बाई बाई लगा देंगे। ये हमारा कहता है रूल नंबर टू। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रूल नंबर थ्री की, तो रूल नंबर थ्री काफ़ी ज़्यादा इजी है। कोई भी टेंस हो, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कुछ भी हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। पैसिव वॉइस में आप जब भी बनाओगे, हमेशा वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या किसी और फॉर्म में वर्ब नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब किस फॉर्म में होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको रूल नंबर वन, टू और थ्री समझ में आ गया होगा। अब मैं डिटेलिंग करता हूँ रूल नंबर फोर और रूल नंबर फाइव का, जिसे आप समझिए, उसके बाद हम एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे वॉइस में कुछ और ही अच्छे टॉपिक। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रूल नंबर फोर, जो कि है टेंस चेंज। टेंस चेंज में क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। टेंस चेंज में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, इसे आप समझिएगा। जैसा कि टेंस चेंज में आप जानते हैं कि दो ही चीज़ चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि मेन वर्ब तो यहाँ थर्ड फॉर्म होगा, तो मेन वर्ब के लिए सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस इंडिफिनिट में होगा तो उसका पैसिव किस में बनेगा,
कॉन्टीन्यूअस में बनेगा, और अगर एक्टिव वॉइस कॉन्टीन्यूअस में होगा तो जो भी कॉन्टीन्यूअस है उसके साथ हम लगा देंगे बी ई आई एन जी। वहीं अगर एक्टिव वॉइस परफेक्ट में होगा तो उसमें हम लगा देंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और अगर वही हमारा जो एक्टिव वॉइस है अगर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है, किस में होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, तो उसकी पैसिव आप नहीं बनाओगे, और अगर आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में होता है तो उसकी पैसिव भी आप नहीं बनाओगे। यानी देखा जाए तो तीन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, यानी चार टेंस की पैसिव नहीं बनती है। आप सब जानते हो कि टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में चार की पैसिव नहीं बनेगी, यानी सिर्फ 8 टेंस की पैसिव ही बनाई जाती है। अब कई कई बार क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इन टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो मैं आपको बता दूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल हाल फिलहाल की इंग्लिश चल रही है उनमें इनकी पैसिव भी बनाई जाती है। अगर आपको इनकी पैसिव सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको इन बचे हुए चार टेंस जिनकी पैसिव नहीं बनती है अब बनाई जा रही है उनकी पैसिव मैं सिखा दूंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस की पैसिव, 3 इनडेफिनिट, 2 कॉन्टीन्यूअस और 3 परफेक्ट, 3+3+2, यानी टोटल 8 टेंस की पैसिव आज बनाना हम सिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि 1, 2, 3 रोल नंबर क्लियर हो गया, रोल नंबर 4 में करना क्या था, टेंस चेंज करना था। तो टेंस चेंज मैंने बता रखा है कि अगर इनडेफिनिट हो तो उसको कॉन्टीन्यूअस में, कॉन्टीन्यूअस हो तो कॉन्टीन्यूअस प्लस बींग में, परफेक्ट हो तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, और इन दो टेंस की पैसिव तो बनती नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताना है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, मेन वर्ब तो बिल्कुल क्लियर है कि वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है, तो वहाँ हमको परेशान नहीं होना है। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये तो बता दिया आपने, थोड़ा इनको और डिटेल कर दीजिए, तो आइए इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहा था कि अगर इनडेफिनिट में है तो उसकी पैसिव कॉन्टीन्यूअस में बनेगी, तो अगर इनडेफिनिट में होगी यानी अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगी यानी डू डज, तो उसमें कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यानी इज एम आर लगा देंगे। वहीं अगर पास्ट इनडेफिनिट डिड में होगी तो उसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस वाज और वेयर लगा देंगे। वहीं अगर फ्यूचर इनडेफिनिट होगा तो फ्यूचर इनडेफिनिट होने का मतलब कि विल या शैल होगा, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस यानी विल बी या शैल बी का यूज कर देंगे। सेकेंड मैंने बताया था कि अगर टेंस कॉन्टीन्यूअस में होगा, तो मैंने क्या बताया था कि कॉन्टीन्यूअस में होगा तो कॉन्टीन्यूअस प्लस बींग लगा देंगे, यानी अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में होगा तो क्या होगा, इज एम आर होगा, तो उसमें हम लगा देंगे इज एम और आर के साथ बी ई आई एन जी बींग। वहीं अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा यानी अगर वाज या वेयर होगा तो हम लगा देंगे वाज या वेयर के साथ बींग। वहीं अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा यानी कि विल बी या शैल बी, तो आप जानते हैं कि उसकी पैसिव नहीं बनाई जाती, मैंने हाल फिलहाल अभी बताया है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। तो मैंने बताया था कि इनडेफिनिट में कॉन्टीन्यूअस, तो इनडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड विल शैल होता है, तो उसमें उसी का कॉन्टीन्यूअस इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी का यूज हो जाता है। कॉन्टीन्यूअस होगा तो कॉन्टीन्यूअस प्लस बींग यानी इज एम आर प्लस बींग, वाज वेयर प्लस बींग, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस विल बी शैल बी, तो नो चेंज। और अगर वही बात करें नेक्स्ट टेंस हमारा क्या है, आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट टेंस हमारा है परफेक्ट। तो अगर हमारा परफेक्ट में होगा तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप जानते हैं कि परफेक्ट है तो उसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगाना पड़ता है, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हैज़ बीन या हैव बीन। वहीं अगर पास्ट परफेक्ट है हैड, तो उसमें लगा देंगे हैड बीन। वहीं अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आप जानते हैं कि विल हैव या शैल हैव, तो हम क्या करेंगे, विल हैव शैल हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ये हो गए आपके 3 टेंस, यानी इनडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस प्लस बींग, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस,
और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। अगर कोई परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आ गया तो आप सीधा लिख दोगे नो चेंज, अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में आ गया तो आप सीधा लिख दोगे नो चेंज। यानी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो तीन टेंस यहाँ, दो टेंस यहाँ, फाइव और तीन टेंस यहाँ, एट टेंस की पैसिव बनती है। और अगर यहाँ ध्यान दें, थ्री यहाँ और वन यहाँ, फोर टेंस की पैसिव नहीं बनती है। यानी 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव बनती है, तो 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है हमारा केस चेंज है, और आप जानते हैं केस चेंज में हमको क्या करना है, हम जब बनाएंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर नाउन होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नाउन का कोई केस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत जो है वो केस चेंज कर देना है। और केस चेंज हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आई होगा तो वो केस ऑब्जेक्ट के प्लेस जाते जाते क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा आई माई मी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियोस में जा करके नाउन एंड द केस की क्लास को करके पूरा जो केस चार्ट है उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। यानी हमें यहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें इन केस का फॉलो करना है। आई का मी हो जाएगा और मी का आई हो जाएगा। अगर वी होगा तो वी का अस हो जाएगा। अगर बात करें यू, तो यू का होता है आपका योर्श या यू, दोनों हो सकता है। वहीं अगर बात करें ही, तो ही हो जाएगा हिम और हिम हो जाएगा ही। वहीं अगर बात करें शी का, तो सी हो जाएगा हर। अगर बात करें इट का, तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट्स होता है। वहीं अगर बात करें दे का, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इस केस चार्ट का हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। और ये कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा तो ये रहेगा, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा तो ये नहीं बल्कि ये हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ से इसको वहाँ ले जाना है तो ये कर देना है, और यहाँ से अगर यहाँ ला देना है तो आई नहीं बल्कि मी रख देना है। यानी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस का पूरा ध्यान देना है। सब्जेक्टिव केस में रखना है सब्जेक्ट के प्लेस पे, और ऑब्जेक्टिव केस में रखना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पांचों रूल्स जो थे वो आपको धीरे धीरे सारे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस, जिसके करने के बाद हमारे ये सारे जो कुछ प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाने। जैसा कि हमने बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 नियम हैं, और 5ों नियम मैंने पढ़ा भी दिए हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आइए करते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल में जैसा कि आप देख रहे होंगे, वी रिस्पेक्ट हिम, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में डाउट आता है वो ये आता है कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपको वर्ब पहचानने आ जाएगा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, ये एक काम है, वर्ब है, तो ये हमारा रिस्पेक्ट जो है ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब के जो इधर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो इधर आता है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हिम को यहाँ लाना होगा। तो जब हिम को यहाँ लाएंगे तो मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू केस चेंज, यानी रूल नंबर 5 के हिसाब से हिम यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्लेस पे था तो हिम था, जैसे ही हमने हिम को सब्जेक्ट बनाया ये हिम से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ही। अब आप जानते हैं कि कोई भी टेंस हो वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर फॉलो करता है। यानी अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत। तो हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ से मिलेगा, हमें पहचानना होगा कि आखिर ये टेंस कौन सा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब का नहीं होना इसका मतलब कि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता, यानी ये रिस्पेक्टेड होता। तो ये रिस्पेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि हमारा ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शुरू में हम ऐसे ही करेंगे, शुरू में हम यही ट्राई करेंगे कि आखिर ये कौन सा टेंस नहीं होगा। तो हमें
आंसर मिल जाएगा कि आखिर ये कौन सा टेंस है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते करते जब आप फास्ट बन जाओगे तो आप जल्दी से टेंस को आप पहचान पाओगे। यानी कि मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब का नहीं होना मतलब प्रेजेंट या पास्ट इंडिफिनिट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं होना मतलब कि ये बिल्कुल क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज, ही इज। रिस्पेक्ट हमारा वर्ब है तो रिस्पेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। और मैंने कहा था कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई, और वी को जब इधर लाएंगे तो वी आते आते क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, मैंने रूल नंबर 1 का फॉलो किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी हिम को ही कर दिया और वी को अस कर दिया। रूल नंबर 2, इसके ठीक पहले बाई लगा दिया। रूल नंबर 3, कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। रूल नंबर 4 जो है टेंस चेंज, टेंस चेंज में हमने बताया आपको कि ये आपका इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी इज का यूज कर डाला। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जिससे करने पर आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन हो जाओगे, कोई भी वॉयस का क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। तो आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम्स, एक नए प्रॉब्लम के साथ, ध्यान से देखिएगा। राम इज राइटिंग अ लेटर, पहला काम हमारा वर्ब को पहचानना, राइटिंग लिखना एक काम है। तो अब इसके जो इधर आया अ लेटर, ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके जो इधर आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के जो इधर आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट हो गया और अ लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी अ लेटर को जब आप इधर लाओगे तो हो जाएगा अ लेटर। अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है, और मैंने बताया था कि नाउन चेंज नहीं होता है, अगर प्रोनाउन होता है तो उसका फॉर्म केस चार्ट के हिसाब से आपको बदलना होता है। तो ए लेटर को आप यहाँ लाएं तो ए लेटर। अब मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो आप देखिए ये सीधा सीधा इज राइटिंग, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस में अगर होता है तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बींग, यानी ए लेटर इज बींग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन होता है, और इसके बाद आप लगा दोगे बी वाई बाई। अब राम को इधर लाओगे तो राम फिर से एक बार नाउन है और राम फिर से बदलेगा नहीं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई राम। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, नहीं होना, बिल्कुल होना नहीं है, आप दिक्कत होगा वीडियो को प्लीज़ पीछे करके आप देख लो, समझ लो, पढ़ लो, नोट्स बनाते हुए चलो, और ढेर सारे प्रॉब्लम्स को घर पे किसी भी बुक से ऑनलाइन सॉल्व करो। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं निश्चित ही वहाँ पूरे टाइम अवेलेबल रहता हूँ आप सबके लिए, और आपकी पूरी मदद मैं वहाँ पे करूँगा, आपके हर एक डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। तो आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा। द प्लेयर्स हैड ओन द मैच, सबसे पहले हमको ये पहचानना कि आखिर ये कौन सा टेंस है। तो आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब से आपको मालूम चल जाएगा कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना, यानी ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, और ओन के बाद मेन वर्ब के बाद जो आता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, यानी द मैच को इधर ला देंगे तो हो जाएगा द मैच, ये भी नाउन है तो कुछ बदलेगा नहीं। अब टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट, तो आपने रूल्स अगर ये पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है हैड बीन। द मैच हैड बीन, थर्ड फॉर्म ओन ही होता है, द मैच हैड बीन ओन बाई द प्लेयर्स को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका द प्लेयर्स, यानी द मैच हैड बीन ओन बाई द प्लेयर्स। हमने द मैच को सब्जेक्ट बना दिया, प्लेयर्स को ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके पहले बाई लगा दिया, ओन ऑलरेडी यहाँ थर्ड फॉर्म में था वो तो मैंने वैसे ही लगा दिया एज इट इज़। वहीं अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड के बाद हमने लगा डाला बीन, ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉब्लम्स। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, जिसको करने के बाद थोड़ा और हमारा डाउट्स कुछ क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा। ही विल टीच मी,
तो आप पहले टेंस की पहचान करिएगा विल। विल आता है आपका फ्यूचर, और विल जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में आता है। तो आपने समझ लिया कि विल जो है हमारा ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। वर्ब हमारा टीच है, तो वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को इधर लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आई। और आपने पढ़ा था कि फ्यूचर इंडिफिनिट को चेंज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो हम कर देंगे आई के साथ सेल बी, आई सेल बी। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, उसके बाद बाई, और जब ही को इधर लाएंगे तो हो जाएगा हिम, यानी आई सेल बी टॉट बाई हिम। आपने क्या किया, ध्यान से देखा, ही विल टीच मी, तो मी को इधर लाया तो आई हो गया। विल यानी फ्यूचर इंडिफिनिट, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी या सेल बी, तो आई के साथ सेल बी। और आपने पढ़ा था कि कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉट हो जाएगा, बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि आपका हो जाएगा हिम। आइए दोस्तों देखते हैं एक और प्रॉब्लम्स क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, पुलिस विल हैव CAUGHT caught the terrorist, यानी पुलिस ने क्या किया, टेररिस्ट को, आतंकवादियों को पकड़ लिया होगा, यानी पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ लिया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, विल हैव का होना, विल हैव के साथ वर्ब का होना, वर्ब के थर्ड फॉर्म का होना, ये शो करता है कि ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो कॉट के बाद जो हमारा है द टेररिस्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको हम इधर ला देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द टेररिस्ट विल हैव, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगा देंगे, बीन, विल हैव बीन। कॉट का थर्ड फॉर्म कॉट ही होता है, कॉट बाय द पुलिस, यानी हम सीधा सीधा कह देंगे, हो सके तो यहाँ द मत भी लगाओ आप, चूँकि यहाँ दे नहीं है, पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, तो हम बना देंगे द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई पुलिस। यानी हमने क्या किया, टेररिस्ट को वहाँ ले गए, द टेररिस्ट विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यह पहले से था, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा टेंस वाला प्रॉब्लम्स हो गया। कहीं आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें पूछिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैसिव ऑफ मोडल्स, यानी मोडल्स की पैसिव कैसे होती है, आइए उनको जानते हैं और पढ़ते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो मैं क्लास लेके आया हूँ स्पेशली फॉर अग्निवीर, एयरफोर्स एंड नेवी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कई बार देखने को मिले हैं कि वो मोडल्स से क्वेश्चन आते हैं। तो मोडल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि मोडल्स कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पैसिव ऑफ मोडल्स। जैसा कि मैंने बताया मोडल्स की पैसिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इनको ध्यान से पढ़ते हैं। मैं इनमें आपको 5 रूल्स बताऊंगा, 5 तरीके से मोडल्स की पैसिव बनती है। आप 5ों तरीकों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें हर एक तरीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैसिव ऑफ मोडल्स, तो बहुत बच्चों को तो मोडल्स पता ही नहीं होता कि आखिर ये मोडल्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट टू, नीड और डेयर, ये हमारे होते हैं मोडल्स। तो अगर आपको मोडल्स की पैसिव बनानी हो तो आप क्या करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपका रूल नंबर 1, 2, 3 एज इट इज़ अप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 5 भी अप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 4 जो टेंस चेंज होता है ये यहाँ मोडल्स में आपका नहीं होना है। यानी जो आपका सबसे टफेस्ट पार्ट था टेंस को बदलना, मोडल्स में वो नहीं करना है। यानी अगर देखा जाए तो मोडल्स की पैसिव और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है। मोडल्स के पैसिव में रूल नंबर 1, 2, 3 और 5 का हमें वैसे ही यूज करना है। रूल नंबर 4 टेंस चेंज हमें यहाँ नहीं करना है, क्योंकि मोडल्स जो है वो टेंस तो होता नहीं है, ये टेंस के बाहर होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ अलग नियम मैं पढ़ाऊँगा और वो सारा का सारा जो रूल्स होगा वो टेंस चेंज के जैसा ही होगा, टेंस चेंज के बदले में होगा, और उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में मोडल्स आपको मिल जाए तो आप पैसिव जब बनाओगे तो आप ध्यान दोगे कि जो भी मोडल्स होगा उसके साथ बी का यूज कर दोगे, मोडल्स प्लस बी। यानी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें,
स्ट्रक्चर की और वो भी एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी मोडल्स होगा उसके साथ लगा देंगे बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी हमको परेशान जरा सा भी नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से करना है कि अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे होगा, तो पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी पैसिव सब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस बी, उसके बाद आप जानते हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगता है, और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम बात करें कि इसका एग्जांपल का होगा क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश जो है बोल सकता है, तो आप जानते हैं कि ये है वर्ब, और वर्ब के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, मोडल्स यहाँ कैन है तो कैन के बाद हम लगा देंगे बी, और वर्ब जो है स्पीक था इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ही जब इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी हम सीधा सीधा कह देंगे इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। क्या आपको ये आसान लगा कि नहीं लगा, ये आपको 10 से भी इजी लगा होगा, क्योंकि बाकी सारे रूल्स तो वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, इंग्लिश को यहाँ लाना, ही को यहाँ लाना तो हिम हो जाएगा, उसके पहले बाई लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना, सारा कुछ वही है, बस मोडल्स जो था मोडल्स के बाद हमने क्या लगा दिया, बी ई बी लगा दिया। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सेम टू सेम रूल्स है, बस एक रूल्स जो ये रूल नंबर 4 है इसके बदले में हमने यहाँ पढ़ना है, हमने यहाँ करना है कि अगर मोडल्स आएगा तो मोडल्स के साथ हम लगा देंगे बी ई बी। देखिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंडिया में विन द मैच, तो आपने यहाँ देखा कि फिर से मी आ गया, मे आ गया, मे आने का मतलब मोडल्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे और वर्ब के बाद जो होता है हमारा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो हमारा हो जाएगा द मैच। अब आपने देखा कि जो भी मोडल्स होगा उसके बाद लगा देना है बी, द मैच मे बी विन का थर्ड फॉर्म होता है वोन बाई, इंडिया जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस से ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा तो हो जाएगा इंडिया, यानी द मैच मे बी ओन बाई इंडिया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारा रूल नंबर 1 यहाँ हो जाता है फिनिश। यानी अगर एक्टिव वॉइस से मोडल्स आएगा तो पैसिव बनाते समय बाकी सारे रूल्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मोडल्स के बाद बी ई बी लगा देंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 ऑफ मोडल्स, यानी मोडल्स का दूसरा नियम वो क्या कहता है उसको समझते हैं और जानते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 ऑफ मोडल्स। मोडल्स का जो दूसरा नियम है हमसे ये कहता है कि अगर मोडल्स के साथ आपको हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप पैसिव बनाते समय क्या करोगे, मोडल्स जो है वो लगाओगे, उसके बाद हैव था तो वो लगाओगे, उसके बाद आप लगा दोगे बीन, और साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आप यहाँ पहले से दिया होता है और वही थर्ड फॉर्म हमको लगा देना होता है। यानी मोडल्स प्लस हैव, ध्यान से देखिएगा, मोडल्स प्लस हैव ये दिया रहेगा तो हमें मोडल्स प्लस हैव के साथ क्या लगा देना है, अलग से बी डबल ई एन बीन लगा देना है, और वर्ड का थर्ड फॉर्म दिया होता है उसी को हमें रिपीट कर देना होता है। यानी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कह सकता हूँ ही विल हैव सिंग सैंग संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर ये टेंस है या मोडल्स है, क्योंकि अगर आपने टेंस भी पढ़ा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चाहे आप इसको फ्यूचर परफेक्ट समझ के बना लो, चाहे आप मोडल्स समझ के बना लो, दोनों का पैसिव जो होगा वो सेम टू सेम होगा। यानी हम क्या करेंगे, ए सॉन्ग को इधर ला देंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग, और विल हैव तो मैंने बताया था कि जो भी मोडल्स होगा हैव होगा उसके बाद क्या लगा देना है बीन, तो विल हैव के बाद हम लगा देंगे बीन, और संग पहले से थर्ड फॉर्म में है, बाई और ही को इधर ला देंगे तो हमारा हो जाएगा हिम। यानी कि आपको क्या दूसरा रूल समझ में आया कि अगर एक्टिव वॉइस मोडल्स हो तो मोडल्स प्लस बी,
वहीं अगर सेकेंड रूल एक्टिव वॉइस में मोडाल्स के साथ हैव आ जाए तो पैसिव बनाते समय मोडाल्स प्लस हैव प्लस बी डबल ई एन बीन लगाते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हुए बाकी सारे रूल्स जैसे लगते हैं लगाकर हम पैसिव बना देंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल कर देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यू कुड हैव रिटन द लेटर, आपने देखा कि मोडाल्स के साथ हैव फिर से आ गया, तो अब क्या करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। रिटन यहाँ आपका जो है ये है आपका वर्ब, और वर्ब के बाद द लेटर जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट। तो द लेटर कुड हैव, और मैंने कहा था कि मोडाल्स प्लस हैव के बाद हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। कुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, यू को इधर लाएंगे तो यू योर्स योर्स हो जाएगा, या यू दोनों आपका यहाँ पे सही है। तो आपको जो है रूल नंबर वन और टू में मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। रूल नंबर वन मोडाल्स आए तो मोडाल प्लस बी, मोडाल्स के साथ अगर हैव आ जाए तो रूल नंबर टू हो जाएगा और उसमें हम बना देंगे मोडाल्स प्लस हैव प्लस बीन। यानी अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स के दोनों नियम जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल सा पूरा का पूरा सोल्यूशन लेके जल्द से जल्द आऊँगा। आइए बढ़ते हैं मोडाल्स के रूल नंबर थर्ड की तरफ, वो आखिर हमें क्या कहता है। आइए देखते हैं रूल नंबर थर्ड ऑफ मोडाल्स। अगर मोडाल्स में रूल नंबर थर्ड हमसे ये कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस इज एम आर वॉज वर हैज हैव हर हैड इनके साथ इन्फिनिटिव टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर आधारित हो, यानी अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स के एक्टिव वॉइस में आपको इज एम आर वॉज वेयर हैज एव हैड के साथ अगर टू आ जाए, इन्फिनिटिव टू आ जाए, और इसके साथ अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आप इनका पैसिव कैसे बनाओगे, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो आप जब इनका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या करोगे, जो भी है इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड इनके बाद क्या रहेगा, टू रहेगा। तो मैं बता दूं कि टू के बाद आप क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल दोगे थर्ड फॉर्म में, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा पैसिव वॉइस बना लोगे। यानी अगर आपको मैं एग्जांपल से बताऊं तो शायद और भी क्लियर होगा। जैसे मैं कह दूं आई एम टू बी यू बाई बुक, अगर आप यहां देखिएगा तो इज एम आर के बाद इन्फिनिटिव टू आपको दिखेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे बुक, और बुक के साथ लग जाएगा इज, इस के बाद टू और उसके बाद लगा देंगे बी, और बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट बाई, आई इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा मी। यानी हम सीधा सीधा पैसिव बना देंगे, क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बुक इज टू बी इज टू, इज एम आर के साथ इन्फिनिटिव टू तो लगा ही होता है, उसके बाद हम अलग से लगा देंगे बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट बाई मी। ये हमारा हो गया मोडाल्स का तीसरा रूल्स। पहला रूल्स में था कि अगर मोडाल्स आए तो पैसिव में मोडाल्स प्लस बी, दूसरा नियम था अगर मोडाल्स के साथ हैव आ जाए तो पैसिव में मोडाल्स प्लस हैव प्लस बीन। रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के साथ इन्फिनिटिव टू आ जाए तो पैसिव बनाते समय इन्फिनिटिव टू के बाद हम बी ई बी का यूज कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं मोडाल्स के चौथे रूल्स की तरफ। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स मोडाल का फोर्थ रूल। मोडाल्स का फोर्थ रूल हमसे क्या कहता है ये ध्यान से देखते हैं। देयर इज नो टाइम टू प्ले, अगर एक्टिव वॉइस ऐसे देयर से स्टार्ट हो जाए, देयर इज नो टाइम टू प्ले, तो ये बहुत ही आसान होता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखते चलना है देयर इज नो टाइम, और कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आपको इन्फिनिटिव टू ना मिल जाए। तो देयर इज नो टाइम टू, और जैसे ही इन्फिनिटिव टू मिलेगा इसके बाद आपको लगाना है बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी देयर इज नो टाइम टू बी प्लेड। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, यानी हमें करना क्या था, इन्फिनिटिव टू को ढूंढना है, वहाँ तक एज इट इज उतारना है, टू के बाद बी लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लो, देयर इज नथिंग टू गेन, तो हम क्या करेंगे, देयर इज नथिंग टू तक एज इट इज उतारेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे और गेन का थर्ड फॉर्म होता है गेंड। देयर इज नथिंग टू बी
गेंद। ये हमारा हो गया मुडाल्स का चौथा रूल्स। आइए देखते हैं मुडाल्स का पांचवा यानी कि आखिरी रूल्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं मुडाल्स का पांचवा और आखिरी रूल जो कि स्टार्ट होता है इट से। आइए देखते हैं कैसे इसका होगा पैसिव। जैसे कि अगर आपको एक्टिव वॉइस मिल जाए इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट द पार्टी, तो इसका आप पैसिव कैसे बनाओगे ध्यान से देखिएगा। इट इज़ टाइम आपको ऐसे लिखना है जहां आपको इन्फिनिटिव टू मिलेगा उसके बदले में आपको लिखना है फॉर। इट इज़ टाइम फॉर, और जैसा कि आप जानते हो सेलिब्रेट वर्ब है और वर्ब के बाद आपका द पार्टी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट को इधर ला दोगे, फॉर द पार्टी उसके बाद इन्फिनिटिव टू देन बी, यानी कि इट इज़ टाइम फॉर द पार्टी टू बी सेलिब्रेट जो होगा वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा यानी हो जाएगा सेलिब्रेटेड। यानी हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, हम इट इज़ टाइम को ऐसे लिखते जाएंगे तब तक जब तक हमको इन्फिनिटिव टू ना मिल जाए, और हम लिखने के बाद इट इज़ टाइम टू के बदले लगा देंगे फॉर, फॉर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, इट इज़ टाइम फॉर द पार्टी फिर इन्फिनिटिव टू देन बी और सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेलिब्रेटेड। वहीं अगर सेकेंड प्रॉब्लम्स को देखें इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, तो हम फिर से क्या करेंगे इट इज़ टाइम को लिखेंगे टू के बदले लिख देंगे फॉर, प्रिपेयर के बाद द एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन इन्फिनिटिव टू उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में ये मैंने मोडाल्स को फिनिश कर दिया, यानी आज की क्लास में मैंने टेंस और मोडाल्स की पूरी पैसिव पढ़ाई है। मैं बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं आपको इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक आप मेरी क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं दूसरे वीडियो में इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के साथ इन सारे कन्फ्यूज़न इन सारे डाउट्स का सल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आपका हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का जो आप बिल्कुल मन से बिल्कुल तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करते हो, बिल्कुल आप ऐसी पढ़ाई करते रहो, आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।